एक बेटी मर गई और ये नाटक कर रहे हो 2018 का, उसके बाप मर गए। ये जो मुकदमा हुआ हाथरस का सर, ये वाला बता रहा हूँ कि 2018 में हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ उसके पिताजी की हत्या हो गई, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बताना चाहता हूँ कि 2018 नाटक कर रहे हो यहाँ पर आकर बिखे हुए लोग। मुझे नहीं पता एड कैसे मिलता है तुम्हें। जिस तरह का सोशल मीडिया अगले भी जिस तरह से भैया जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया जो है बीजेपी चला रही है समाजवादी पार्टी के, और जानते होंगे मालिक कौन है तुम्हारे, हम ये मत समझना कि हम नहीं जानते होंगे उनको। विधान परिषद में जब कुछ सदस्यों ने अपनी बात कही, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए बेटी को रोते हुए, विधान परिषद में, और उतना ही पत्रकार बोलिए करिए जितना अच्छा लगता है। जनता आपके बारे में पूरा समझ गई कि कितने धोखेबाज हैं आप। तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। जरा अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। बता बताओ, अब क्यों छिप गए हो तुम जाकर के? अगर हैसियत है तो बताइए किस चैनल की ओर है। मैं प्राइम न्यूज के, प्राइम न्यूज के बिके हुए आदमी हो तुम। 2018 में 6 साल मुकदमा, तुम्हारा अपनी बेटी, एक बेटी मर गई और ये नाटक कर रहे हो 2018 का, उसके बाप मर गए। जो मुकदमा हुआ हाथरस का सर, ये वाला बता रहा हूँ कि 2018 में हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ उसके पिताजी की हत्या हो गई, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बताना चाहता हूँ 2018 नाटक कर रहे हो यहाँ पर आकर बिके हुए लोग। मुझे नहीं पता एड कैसे मिलता है तुम्हें। जिस तरह का सोशल मीडिया अगले भी जिस तरह से भैया जी, भैया जी जिस तरीके से सोशल मीडिया जो है बीजेपी चला रही है समाजवादी पार्टी के, और जानते होंगे मालिक कौन है तुम्हारे, हम ये मत समझना कि हम नहीं जानते होंगे उनको। विधान परिषद में जब कुछ सदस्यों ने अपनी बात कही, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए बेटी को रोते हुए, विधान परिषद में, और उतना ही पत्रकार बोलिए करिए जितना अच्छा लगता है। जनता आपके बारे में पूरा समझ गई कि कितने धोखेबाज हैं आप। आपको नहीं पता किसानों ने घुसने नहीं दिया आपको, ये भूल गए, किसानों ने घुसने नहीं दिया आपको, लिख दिया कि ये पत्रकार लोग हैं इनको घुसने मत देना। स्क्रीन पे देखिए, ये प्राइम टीवी है, क्यों करेगा उस पर चर्चा? विधान परिषद में सदस्यों ने अपनी बात कही, मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज कर देंगे, तो ये तरह की लैंग्वेज नहीं, तो इन्हें ये जाए मुख्यमंत्री के सामने, हैसियत तो इस तरह बोलने की, इनका इलाज कर दे मुख्यमंत्री उधर ही। अगर है आप बोलिए जाकर के, देखिए मुख्यमंत्री कैसा इलाज करते हैं आपका, हम तो नाश्ता करा देंगे तुम्हें। और राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए। कभी गए हो आप उसमें देखने? नहीं, चलने दीजिए इसको, ये सब लाइव चल रहा है। आई अंडरस्टैंड। और देखिए, कभी गए हो डीजीपी के ऑफिस में देखने के लिए? पूरे उत्तर प्रदेश का और देश का सबसे सुंदर पुलिस का स्थान बनाया, और बताइए वहां बैठ करके अन्याय हो रहा उत्तर प्रदेश में? सत्ता 1090 सोच सकते हैं आप क्या बनी ये चीज? अब देखिए, अगर प्राइम टीवी वाले हो तो जरा देखिए बेटी कैसे रो रही है, और सवाल करते हो हमसे, तुम दिखाइए स्क्रीन पर पूरे वॉल्यूम के साथ। एक्सप्रेस न्यूज़, हर खबर पर नजर।